अस्सलाम वालेकुम, पकवान टाइम में आप सबका वेलकम है। आज हम बना रहे हैं गाजर का हलवा, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ जो हर घर में अवेलेबल होता है। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर कीजिए। भगोना लेंगे, गैस पर रखकर पानी डालेंगे, उसमें आधा लीटर पानी डालेंगे। गाजर है मेरे पास 1.5 किलो, उसको मैं बारीक ब्रश कर ली थी मैं बारीक बिल्कुल, वो डाल देंगे उसमें। इसलिए हम ये कर रहे हैं कि गाजर अच्छी तरह से गल जाए और घी भी कम लगे। आप लोग भी ऐसे करिए, एक 10 मिनट छोड़े बाद फिर चेक करेंगे, गाजर आधे गल गए हैं। आप इस तरीके से बनाइए, इंशाल्लाह ज़रूर अच्छा बनेगा, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। देखिए गाजर गल गल गए हैं अच्छे। अब इसमें घी डालेंगे हम, ऐसा करने से घी भी कम लगता, आपको सेहत के लिए बहुत अच्छा रहता। अब घी पूरा मिक्स कर देंगे गाजर में, घी मिक्स हो चुका है पूरा गाजर में। अब इसको ढककर एक 10 मिनट पकाएंगे ताकि पानी भी सूख जाए और घी में भी अच्छा गाजर तले जाए। देखिए गाजर का रंग बदल रहा है, अच्छे साफ भी हो गए हैं और अच्छे भुने भी जा रहे हैं, घी में अच्छा भुने भी जा रहे हैं। देखिए कलर भी अच्छा चेंज हो गया गाजर का, अच्छे सॉफ्ट भी हो गए। आप इस तरीके से बनाइए, जरूर बहुत अच्छा मीठा बनेगा। मेरे पास 1 लीटर दूध था, उसको मैं अच्छा तपा कर आधा लीटर बना डाली में मलाई के साथ। अब वो दूध डाल दीजिए, ना आपको खोए की ज़रूरत है ना तो आपको खलाखन की ज़रूरत है, ये मलाई का दूध ही बहुत अच्छा है। थोड़ा सा कलर है फूड कलर, उसको थोड़ा दूध में भिगा लेके मिला लेके डाल दीजिए ताकि कलर अच्छा दिखे, ऑप्शनल है आपकी मर्ज़ी है, वरना गाजर का कलर भी बहुत अच्छा आ गया है। थोड़ा सा ढककर एक 10 मिनट पकाइए, चेक करते रहिए बीच में। देखिए घी भी छूट गया, एक 5 मिनट हिलाइए, अच्छा भूनिए गाजर को ताकि घी और छूट जाए अतराफ से और गाजर भी अच्छे लाल हो जाए। बिल्कुल घर के चीज़ों से ही बन जा रहा, देखें कोई आपको बाहर चलाने की ज़रूरत नहीं है। गाजर का हलवा अच्छा घुमोनेंगे, ये 150 ग्राम शक्कर डाल रही हूँ मैं, कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते। शक्कर डाले बाद में फिर अच्छा भुनेंगे, फिर ये बादाम और काजू का पेस्ट पाउडर है, इलायची पाउडर है, सबको अच्छा मिक्स करेंगे। शक्कर का पानी पूरा सूख जाना उसमें, शीरा पूरा सूख जाना, अच्छा मिक्स करेंगे। चलिए अब गाजर का हलवा तैयार है, अब बादाम और पिस्ते से गार्निश करेंगे और सर्व करेंगे। चलिए फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, अल्लाह हाफिज़।